नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुर्गी में होने वाले लंगड़ापन या फिर लकवा बीमारी के बारे में। दोस्तों मुर्गी में ये जो दो प्रॉब्लम है, एक है लंगड़ापन और एक है लकवापन। लंगड़ापन यानी मुर्गी सही से चल नहीं पाती है और वो लंगड़ा लंगड़ा के चलती है। इसके अलावा जो लकवापन है, इसमें क्या होता है कि मुर्गी का जो बॉडी है ये पूरा पैरालाइज हो जाता है। ऐसे में मुर्गी बिल्कुल चल नहीं पाती है, उठ नहीं पाती है। इसके अलावा मुर्गी का जो गर्दन है वो दोस्तों टेढ़ा हो जाता है, यानी आप देखेंगे मुर्गी आसमान तरफ देख रही है। अब अगर दोस्तों आपके मुर्गी में ऐसा सिचुएशन आ गया है जिसमें मुर्गी बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही है और मुर्गी का जो गर्दन है वो टेढ़ा हो चुका है, तो वैसे में मुर्गी को बचाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप देखेंगे आपकी मुर्गी लंगड़ा रही है यानी लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, तभी दोस्तों आपको अपनी मुर्गी में इलाज शुरू कर देना होगा। क्योंकि अगर आप इसका सही टाइम पे इलाज नहीं करेंगे तो मुर्गी में आगे जाके पैरालाइज मार देगा, यानी मुर्गी में लकवापन भी आ जाएगा। अब अगर दोस्तों बात करें इस बीमारी का सबसे मुख्य कारण यानी सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वह है दोस्तों मुर्गी के बॉडी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम के कमी होना। यानी अगर आपके मुर्गी में सही मात्रा में कैल्शियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं मिल पा रहा है तो मुर्गी में फिर आगे जाके लकवापन और लंगड़ापन का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपकी मुर्गी में ये प्रॉब्लम आ चुका है तो आप अपनी मुर्गी को कैसे ठीक करेंगे यानी उसका इलाज कैसे करेंगे। उसके लिए दोस्तों मैं आपको दो मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ जिसको आपको अपने लोकल मार्केट से खरीद के लाना होगा। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है दोस्तों नीरोबियन फोर्ट। ये जो मेडिसिन है ये दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको अपने लोकल मार्केट में ही मिल जाएगा, यानी अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी केमिस्ट शॉप या फिर मेडिकल शॉप से वहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि ये एक ह्यूमन में इस्तेमाल होने वाले मेडिसिन है, इसलिए आपको लगभग हर केमिस्ट शॉप पे ये मेडिसिन मिल जाएगा। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से मुर्गी की बॉडी में जो भी विटामिन बी का कमी हुआ है जिसके वजह से लंगड़ापन या फिर लकवापन देखा जा रहा है उसको दोस्तों ये पूरा करेगा। उसके साथ साथ मुर्गी में नर्वस सिस्टम को भी ये इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा यानी दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन आपको इस्तेमाल करना है वह है दोस्तों ऑस्ट्रोबेट। ऑस्ट्रोबेट ये आपको बहुत ही आसानी से आपके लोकल मार्केट में जहां पर भी वेटरनरी शॉप है वहां से मिल जाएगा। इस मेडिसिन में भरपूर मात्रा में कैल्शियम मौजूद होने के कारण अगर आपके मुर्गी में कैल्शियम की वजह से लंगड़ापन या फिर लकवापन मारा है तो उसको ये पूरा करेगा, यानी कैल्शियम की घाटती को पूरा करेगा। अब अगर दोस्तों आपको ये मेडिसिन नहीं मिलता है तो इसके जगह पे अगर आपको कोई भी मेडिसिन मिलता है ऐसा जिसमें ज्यादा मात्रा में कैल्शियम मौजूद हो, उस मेडिसिन का भी आप अपनी मुर्गी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आपको अपनी मुर्गी में ये दोनों मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले ये बीमारी किसी भी एज के मुर्गी को लग सकता है, यानी अगर आपके पास चूजा है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, या फिर अगर आपके पास बड़े मुर्गी है तो उसमें भी आपके मुर्गी में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक से लेकर 10 दिन के उम्र का अगर आपके पास चूजा है जिसमें लंगड़ापन या फिर लकवापन देखने को मिल रहा है तो उसमें दोस्तों आपको नीरोबियन फोर्ट मेडिसिन इस्तेमाल करना है 2 टेबलेट 100 चूजे के हिसाब से। यानी 100 चूजा अगर आपके पास है तो 2 मेडिसिन को लेके पानी में घोल के, यानी एक बार में जो जितना पानी आप पिलाते हैं उसी पानी में घोल के अपने सभी 100 चूजे को पीने के लिए छोड़ देना है। और ये मेडिसिन आपको देना है सुबह का टाइम, यानी मॉर्निंग का जो पहला पानी होगा उस पानी में। इसके अलावा जो दूसरा मेडिसिन है यानी ऑस्ट्रोबेट, इसको आपको इस्तेमाल करना है 5 ml करके, यानी 5 ml 100 चूजे के हिसाब से। इसको आप फीड में भी दे सकते हैं, पानी में भी दे सकते हैं। अगर आप फीड में देना चाहते हैं तो एक बार के फीड में 5 ml मेडिसिन को अच्छे से मिला के मुर्गी को खाने के लिए वो फीड दे दें, या फिर अगर आप इसको पानी में मिला के देना चाहते हैं तो एक बार के पानी में आपको 5 ml मेडिसिन को लेके अच्छे से मिला के चूजे को पानी को पीने के लिए दे देना है। और ये जो मेडिसिन है ये आपको रात के समय चलाना है, यानी दिन के समय आपको चलाना है नीरोबियन फोर्ट और रात के समय ऑस्ट्रोबेट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर आपके चूजे का उम्र 10 से लेकर 20 दिन के अंदर का है तो उसमें आपको सुबह के टाइम नीरोबियन फोर्ट जो टैबलेट है वो 100 चूजे के हिसाब से इस्तेमाल करना है 3 टैबलेट, और रात के टाइम जो ऑस्ट्रोबेट मेडिसिन आपको बताया गया वो आपको इस्तेमाल करना है 5 ml 100 चूजे के हिसाब से। जैसे पहले आपको बताया गया सेम उसी तरीके से आपको ये दोनों मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आपके चूजे का उम्र 20 दिन से लेके 30 दिन के बीच का है तो उसमें आपको नीरोबियन फोर्ट सुबह के टाइम इस्तेमाल करना है 4 टैबलेट 100 चूजे के हिसाब से। उसके साथ रात के टाइम आपको जो ऑस्ट्रोबेट मेडिसिन है वो आपको इस्तेमाल करना है 7 ml 100 चूजे के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों लास्ट में अगर आपके चूजे का या फिर मुर्गी का उम्र 30 दिन या फिर उससे ज़्यादा का है तो उसमें आपको इस्तेमाल करना है सुबह के टाइम नीरोबियन फोर्ट 5 टैबलेट 100 चूजे के हिसाब से या फिर 100 मुर्गी के हिसाब से। उसके साथ रात के टाइम आपको जो ऑस्ट्रोबेट मेडिसिन है वो दोस्तों इस्तेमाल करना है 10 ml 100 चूजे या फिर 100 मुर्गी के हिसाब से। अब दोस्तों बात आ जाता है उनके लिए जो कि घर में कम मुर्गी पालन करते हैं, जैसे सपोज 5 या फिर 10 घर में मुर्गी रखे हुए हैं
वो अपने मुर्गी में ये दोनों मेडिसिन का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपकी मुर्गी का उम्र 1 से लेकर 30 दिन के अंदर का है तो उसमें आपको जो न्यूरोवियन फोर्ट मेडिसिन है उसको आपको एक टैबलेट लेके उसका 4 हिस्सा कर देना है, और 4 हिस्सा में जो एक हिस्सा रहेगा उसको आपको 10 ml पानी में मिला के अच्छे से घोल देना होगा। उसके बाद सिरिंज या फिर ड्रॉपर की मदद से 2 ml करके 5 मुर्गी को पिला देंगे। तो ये आपको सुबह के समय इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो रात के टाइम इस्तेमाल करना है वो है ऑस्ट्रोबेट, वो आपको लेना है 1 ml, उसके साथ आपको मिलाना है 9 ml पानी और अच्छे से मिक्स कर देंगे, घोल देंगे जाके पानी के साथ मेडिसिन मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको एक सिरिंज या फिर ड्रॉपर की मदद से 2-2 ml करके लेके हर एक मुर्गी को यानी 5 मुर्गी को पिला देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास 30 दिन या फिर उससे ज़्यादा का मुर्गी है तो उसमें आपको क्या करना है, एक न्यूरोवियन फोर्ट टैबलेट को 2 हिस्से में कर लेना है और जो एक हिस्सा होगा उसको आपको 10 ml पानी में घोल देना है और उस पानी को फिर आपको 5 मुर्गी को बांट देना है। इसके अलावा रात के समय जो ऑस्ट्रोबेट आपको इस्तेमाल करना है वो आपको लेना है 2.5 ml। 2.5 ml ऑस्ट्रोबेट मेडिसिन को लेके उसके साथ आपको 7.5 ml और सादा पानी मिक्स कर देना है और पानी को अच्छे से मेडिसिन के साथ मिला देना है। उसके बाद 5 मुर्गी को 2-2 ml करके सिरिंज या फिर ड्रॉपर की मदद से पिला देना है। तो ऐसे करके सुबह के टाइम आपको न्यूरोवियन फोर्ट और रात के समय ऑस्ट्रोबेट दोनों मेडिसिन को लगातार 3 से लेकर 5 दिन तक इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अगर आपके 3 दिन के इस्तेमाल से मुर्गी ठीक हो जाता है तो आगे आपको इस्तेमाल नहीं करना है, अगर नहीं ठीक होता है तो आगे और 2 दिन बढ़ा देना है, यानी टोटल 5 दिन तक इस्तेमाल करना होगा। 5 दिन के इस्तेमाल से आपकी मुर्गी में जो भी लकवापन लगड़ापन का प्रॉब्लम था वो दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो गाइस तो बस आज का था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। दोस्तों के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो गाइस तो मिलेंगे कभी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।